समझदार लोग दो फ्रंट पर युद्ध कभी नहीं करते, करते ही नहीं। मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट, दूसरा फ्रंट खोलते ही नहीं, खोलते ही नहीं। तुम जितने फ्रंट खोलोगे ना उतनी ऊर्जा तुम्हारी डिवाइड होती जाएगी। सर हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाना बड़ा खतरनाक है सर, बहुत बड़ी गाली पड़ती है सर, क्योंकि एकमात्र सब्जेक्ट है जिसकी दो धाराएं हैं, एक आम आदमी की धारा है, एक शाही वर्ग की धारा है। जैसे ज्योग्राफी है उसमें कहां कॉम्युनलिज्म डाल दोगे यार, कि हिमालय पर्वत हिंदुओं का है, हिंदू कुछ मुसलमानों का है, उसमें कहां कॉम्युनलिज्म डाल दोगे, उसमें कहां कास्टिसिज्म डाल दोगे, पॉलिटी में कहां डाल दोगे, इकोनॉमी में कहां डाल दोगे। लेकिन इतिहास एक ऐसा विषय है जो दो वर्गों के लिए लिखा जाता है, एक सामान्य वर्ग के लिए लिखा जाता है और एक एरिस्टोक्रेसी के लिए लिखा जाता है, और दोनों के वर्जन बिल्कुल अलग है। जैसे हमारे बहुत सारे भारत के लोग जो नेहरू के बारे में कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं, वो एडविना माउंटबेटन के बारे में जानते हैं। ये नेहरू जी का चक्कर था एडविना माउंटबेटन से, और एडविना माउंटबेटन के कहने पे जो है उन्होंने कश्मीर दे दिया, सब एडविना ने करवाया था। तुम नेहरू के चौकीदार थे, देख रहे थे। ये भारत की एक आम मानसिकता है। इडियट जो वर्ड है बड़ा प्यारा वर्ड है, बेवकूफ। बेवकूफ मतलब जो दूसरे के जीवन में दखलंदाजी रखे। आप कैसे पता करोगे बेवकूफ है? उसकी बातों से। नॉन अलाइन मूवमेंट बताओ, नहीं बताओ। फर्स्ट प्लान बताओ, फाइव ईयर प्लान, नहीं बताओ। नेहरू की ट्राइबल पॉलिसी बताओ, नहीं बताओ। लेकिन यह पता है एडविना माउंटबेटन से रिलेशन है, उपलब्धि है भैया। जिस कौम ने पूरा भारत पर कब्जा किया उस आदमी ने उस कौम की वॉइसराय की पत्नी फिसा ली। मूर्ख जो होते हैं, मूर्ख, वो दूसरे के जीवन पर बड़ा नजर रखते हैं। और हम सब मनुष्य हैं और हम सब की अपनी कहानियां हैं। जब तक मनुष्य इंद्रियों पर है उसकी कहानियां रहेंगी। पुरुष है तो स्त्री आकर्षित करेगी, स्त्री है तो पुरुष आकर्षित करेगा, वो चलेंगी कहानियां। हां, वो इंद्रियों से अगर ऊपर उठ गया है, चेतना पर आ गया है, तब उसकी कोई कहानी नहीं है, तब वो अलग है। इसलिए जब आम आदमी किसी चीज में उलझा पाया जाता है तो उस पर ज्यादा लोगों को दुख नहीं होता। कोई संत पाया जाता है तो बड़ा दुख होता है कि तुम तो उठ चुके थे ना, तुमने तो इस बात की घोषणा कर दी थी कि तुम इंद्रियों से ऊपर उठ चुके हो, फिर वापस